हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीवीआई रेलवे प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। रेलवे से जुड़ी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, दुरंतर एक्सप्रेस पुणे से अहमदाबाद तक जाती है। दोस्तों, यह साप्ताहिक ट्रेन है। यह सोमवार को और गुरुवार को और शनिवार को ही चलती है। दोस्तों, यह राजधानी टाइप की ट्रेन है। दोस्तों, यह पुणे महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात में चलती है। इसके एवरेज स्पीड की जो हम बात करें तो 82 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इसके डिस्टेंस की जो बात करें तो यह 629 किलोमीटर कवर करती है और इसके टाइम की जो बात करें तो यह 8 घंटे 45 मिनट लगाती है। दोस्तों, यह बहुत पुरानी ट्रेन है और साप्ताहिक ट्रेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आरक्षण की सुविधा 120 दिन की होती है। इतने दिनों में आप ऑनलाइन टिकट कटवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसकी कोचेस की जो हम बात कर, इसमें फर्स्ट एसी जिसका किराया है 2680 रुपये। उसके बाद दोस्तों, ये सेकंड एसी की जो हम बात करें, इसमें इसका किराया है 1580 रुपये। दोस्तों, ये अपडेटेड भाड़ा नहीं है, आप रेलवे की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें थर्ड एसी जिसका किराया है 1130 रुपये। दोस्तों, ये अपडेटेड भाड़ा नहीं है, आप रेलवे की वेबसाइट पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये सभी किराए आपको अहमदाबाद से पुणे तक की होती हैं, उपलब्ध नहीं होती है। मीन्स रसोईया यान इसमें नहीं होती है, खाना आपको अलग से खरीदना पड़ता है। चलिए दोस्तों, इस ट्रेन की टाइम टेबल देखें और यह कहां कहां रुकती है और इसके कुल कितने स्टॉप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह पुणे से अहमदाबाद बनकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है रात को। उसके बाद लोनवाला जंक्शन पे आती है 10:18 में और 10:20 में रवाना होती है। इसका यहाँ पे 2 मिनट स्टॉप है। उसके बाद ये वसई रोड में आती है 12:45 में और 12:50 में रवाना होती है। इसका यहाँ पे 5 मिनट स्टॉप है। उसके बाद ये इलाहाबाद जंक्शन पे आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 6:20 में और यहाँ पे आकर के अपनी यात्रा संपन्न करती है। इसकी दूरी 629 किलोमीटर कवर करती है। इसके टाइम की जो बात करें तो यह 8 घंटे 45 मिनट लगती है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।